हरिओम सभी साधक भाइयों और बहनों को और गुरु पूर्णिमा की सभी को हार्दिक शुभकामनाएं मेरी और मेरे पूरे परिवार की तरफ से। आज हम आपको लेके आए रजोक्रिय आश्रम। तो आज मैं गई हुई थी रजोक्रिय आश्रम, बहुत लोग गए थे, साधक हैं जो सभी भाई गए थे, बहनें भी गई हुई थी रजोक्रिय आश्रम, क्योंकि वहाँ वरदादा पे परिक्रमा लगाई थी और गुरु पूर्णिमा के दिन जाना चाहिए, जो हमारे गुरु होते हैं उनके दर्शन करने चाहिए, चाहे आपके कोई से भी गुरु हैं। ये मैं नहीं कहती हूँ कि आपके कौन से गुरु हैं, पूछना भी नहीं चाहती हूँ, और बस जो भी आपके गुरु हैं उनका ध्यान करना चाहिए इस दिन गुरु पूर्णिमा के दिन 21 जुलाई को। तो हम गए थे, मेरा पूरी फैमिली गई हुई थी और इतना बड़ा आश्रम था, काफ़ी बड़ा आश्रम था, वो मैं आपको दिखा रही हूँ। मैं अपनी प्रेगनेंसी की हालत में भी गई हुई थी, देख लीजिए आप। तो गुरु पूर्णिमा के दिन जो गुरु जी की चरण पादुका होती हैं उनके यहाँ पे पूजन किया जाता है आश्रम में, सब लोग दर्शन किया करते हैं। तो हमने यहाँ पे दर्शन किए, काफ़ी बड़ा आश्रम था, मैं तो पहली बार गई थी, काफ़ी अच्छा लगा था। तो रामा भाई जी आए थे यहाँ पे सुनाने के लिए सत्संग, तो काफ़ी अच्छा लगा। उनका भजन तो इतना प्यारा था कि आपको बता नहीं सकती हूँ, जब वो भजन गाते ना तो सारे लोग झूम उठते हैं। तो बस यहाँ पे उन्होंने एक भजन गाया, बहुत ही ज़्यादा प्यारा सुंदर सा, सभी लोग इतने खुश हो गए, यहाँ पे आके आनंद ही मिलता है। आप जहाँ कभी जाएं, अब अगर जो भी साधक भाइयाँ नहीं जा पाते हैं तो आप जाएं, कोशिश करें कि अपना कीमती समय निकाल के थोड़ा सा गुरु के आश्रम में जाएं, उनकी सेवा करें वहाँ पे सब लोगों की, और थोड़ा अपना मन भी लगाएं पूजा पाठ ध्यान में। तो देखिए सब लोग इतना मगन थे कि काफ़ी मतलब अच्छा लग रहा था सब लोगों को वहाँ पे आके। गर्मी भी थी फिर भी ज़्यादा हमें ऐसा नहीं लग रहा था कि गर्मी है। कहते हैं ना गुरु के चरणों में जब जाओ गुरु के द्वार पे तो बहुत अच्छा लगता है, तो हमें काफ़ी अच्छा लगा। हमने कई घंटे तक नाटक देखा, कीर्तन किया, और देखिए यहाँ पर ना एक नाटका भी हुई थी गुरु, तो बच्चे ना यहाँ पर छोटी छोटी बच्चियाँ थी उन्होंने भी किया था यहाँ पर। तो ये जहाँ पे ऋषि प्रसाद की यहाँ पे नाटकें हुई थी, मैं वहाँ की वॉइस ओवर इसलिए नहीं डालती हूँ क्योंकि फिर कॉपीराइट आ जाता है। तो बस यहाँ पे इतनी अच्छी ने नाटकें की थी कि बहुत अच्छा लगा हुआ था इनका देख के हमें। गर्मी थोड़ी थी फिर भी आप देख सकते हो कितनी भीड़ है, तब बापूजी नहीं है, जब इतनी भीड़ है, अगर बापूजी आ गए तो समझिए कितनी भीड़ हो जाएगी, आप लोग समझ ही सकते हो। तो ग्राउंड में ना बहुत अच्छी घास खड़ी हुई थी, तो मैंने इसका भी थोड़ा सा क्लिप लिया। तो हम लोगों ने 1 बजे तक तो किया हमने कीर्तन, उसके बाद फिर यहाँ पे भोजन किया था। भोजन का पांडाल दिखाती हूँ आप लोगों को, देखिए कितना सारा बड़ा है और कितनी भीड़ भी थी यहाँ पे। ये पूरा आश्रम है आप देख सकते हो, काफ़ी बड़ा आश्रम था। तो जो लोग यहाँ पर मतलब अभी खाना खाने के बाद थोड़ा सा हमने रेस्ट किया था, फिर हम चले गए थे बापूजी की कुटिया होती है ना, जो हमारे बापूजी जी वहाँ पर रहते थे, तो बस वहाँ पे हमने दर्शन किए। तो आप लोग भी कीजिए, जो भी साधक भाई हैं मेरा ये वीडियो देख रहे हैं, वीडियो पसंद आता है तो वीडियो को लाइक शेयर कमेंट जरूर कीजिएगा। हरियाली काफ़ी अच्छी रहती है आश्रम में, आप देख सकते हो कितने पेड़ पौधे हैं। तो यहाँ पर सब लोगों ने दर्शन किए कुटिया, बापू जी की कुटिया के यहाँ पर। ये बताना ये पत्थर का या लकड़ी का, आप लोग कमेंट में बताना, मैं बताऊंगी अगले वीडियो में।